हेलो डियर पेरेंट्स, आज मैं आपके साथ आपके बच्चों के लिए सबसे आसानी से बनने वाली हेल्दी वेट गेन रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो अगर आपका बच्चा दुबला पतला कमज़ोर है, ठीक से खाना नहीं खाता है, और अगर खाना भी अच्छे से खाता है और बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है, तो ये आपके बच्चों के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। यकीन मानिए, अगर आप ये फूड अपने बच्चों की डाइट में ऐड करेंगे तो बच्चों को ये स्वाद में काफ़ी पसंद आएगा, बच्चों का वज़न भी तेज़ी से बढ़ने लग जाएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इस हेल्दी फूड को बनाने के लिए ये देखिए गैस पर मैंने पैन रख दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं एक छोटा चम्मच मूंग की दाल। तो मैंने यहाँ पर बिना छिलके वाली दाल ली है, इसे हम डाल देंगे पैन में। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे दो छोटे चम्मच चावल। तो साबुत चावल लिए हैं, आप चाहें तो टुकड़ी वाला चावल भी ले सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे दो काजू, आप काजू के साथ बादाम भी ले सकते हैं। और सभी चीज़ों को हम मिलाते हुए ड्राई रोस्ट कर लेंगे 1.5 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए मैंने इसे हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया है और आप देख सकते हैं इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे अलग बर्तन में निकाल कर हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो सभी चीज़ों को मैंने बाउल में निकाल कर हल्का ठंडा कर लिया है, ये देखिए। और अब इसमें हम मिलाएंगे पानी। तो आधा ग्लास के लगभग पानी हम बर्तन में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिलाते हुए ये देखिए इस तरह से इसे सेम इसी प्रोसेस से इसे 2 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो दाल चावल और काजू को ये देखिए मैंने 2 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैंने लिया है यहाँ पर ग्राइंडिंग जार। तो वॉश की हुई सभी सामग्री को अब हम ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। दोस्तों यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है, एक बार आप इसे अपने बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैंने इसे ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है। अब मैंने यहाँ पर एक छोटे साइज़ का एप्पल लिया है, अच्छे से वॉश करने के बाद छिलका उतार कर इसे मोटे पीसेस में काट लिया है। तो इसे भी हम जार में डाल देंगे। इसी के साथ आधा ग्लास के लगभग पानी हम जार में डाल देंगे। अब हम जार का ढक्कन लगा देंगे और सभी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, सभी चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से ग्राइंड हो चुकी हैं। और अब रेसिपी बनाने के लिए गैस पर मैंने पैन रख दिया है, अभी हमने गैस ऑन नहीं किया है। तो सबसे पहले ये जो मिक्स हमने बनाकर तैयार किया है इसे हम डाल देंगे पैन में। साथ ही हम इसमें मिलाएंगे 1 ग्लास के लगभग पानी, और पानी डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। और जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम गैस ऑन कर लेंगे और इसे हम पका लेंगे 2 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर, और बीच बीच में चम्मच चलाकर इसे चेक करते रहेंगे जिससे कि तले पर ना लगे। तो ये देखिए फूड को पकाते हुए 2 मिनट से ऊपर हो चुके हैं, आप देख सकते हैं हल्का हल्का ये फूलना भी शुरू हो गया है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच मैंने मिश्री पाउडर लिया है, इसे डाल देंगे। आप इसकी जगह गुड़ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसे थोड़ा सा और हेल्दी बनाने के लिए इसमें हम मिलाएंगे 2 से 3 बूंद घी, इसे डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे इसे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पकने देंगे। तो अगर आपका ये फूड पकते पकते थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो आप इसमें ज़रूरत के अनुसार थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए एकदम अच्छे तरीके से ये पक गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये गाढ़ा भी हो गया है। तो इससे ज़्यादा हम इसे और नहीं पकाएंगे और अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फूड को हल्का सा ठंडा होने पर आप इसे अपने बच्चों को खिला सकते हैं। तो फूड अब सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है, अब यह हल्का ठंडा हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे सर्विंग बाउल में और ये बनकर तैयार हो चुका है हमारे घर के नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए सुपर हेल्दी एंड टेस्टी वेट गेन फूड। और इसे आप लंच या डिनर में बनाकर अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इसका स्वाद बच्चों को काफ़ी पसंद आएगा और इसे खाने से बच्चा कभी भी मना नहीं करेगा, बच्चों का पेट भी अच्छे से भरेगा जिससे कि बच्चों को नींद भी बहुत ही अच्छी आएगी और डाइजेस्ट होने में भी रेसिपी काफ़ी आसान है। तो अपने बच्चों को इसे बनाकर ज़रूर खिलाइएगा। और कैसी लगी आपको आज की रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।